है, बहुत पुराना मंदिर है। महाराजा विक्रमादित्य जी के बहाने का जो है यहाँ पर राज्य शासन हुआ करता था, और यहाँ देवी जी का स्थान न होने के कारण वो जो है प्रतिदिन देवी जी के दर्शन करने के लिए उज्जैन जाते थे। ऐसा करते करते उनको 12-15 वर्ष तपस्या करी, माता जी प्रसन्न हो गई। माता जी ने कहा कि वरदान मांग, तो उन्होंने बताया कि मुझे वरदान में आपका स्थान हमारी नगरी में चाहिए। माता जी ने कहा तथास्तु, ये एक रात्रि में जो है मंदिर बनाना, मंदिर का जो दरवाज़ा पूर्व दिशा में रखना, और मंदिर में मैं विराजमान हो जाऊं और मंदिर घूम के पश्चिम दिशा में हो जाएगा तो मान लेना गाय में उपस्थित हो गई और अखंड ज्योति जल जाएगी। तो ऐसा ही प्रत्यक्ष चमत्कार मंदिर ही मतलब बनवाया, एक रात्रि में माता जी विराजमान हो गई और मंदिर घूम के पश्चिम दिशा में हो गया। तभी से अखंड ज्योति यहाँ मतलब बरसों से जली आ रही है, और इसका जो है मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 101 का बताते हैं। बाकी अन्य नवरात्रि का तेल जो है 9 दिन के लिए भक्त जो जलाते हैं उसकी व्यवस्था हमने बाहर कर रखी है, ताकि जितना भी तेल 9 दिन का कम से कम 20 क्विंटल के करीबन, बल्कि और ज़्यादा, इतना तेल नवरात्रि में माता जी के सामने एक खप्पर में जल जाता है। यहाँ पर मंदिर के बारे में तो हमने तो क्या, हमारे बाप दादा और जिनके परदादा मतलब हजारों वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि वास्तव मंदिर चमत्कारिक है। ये ज्योत तभी से अखंड ज्योत जलती आ रही है, पहले करीबन प्रथम ज्योत तो गांव की जली हुई थी, धीरे धीरे भक्तों ने जो है जब उनको माता जी ने चमत्कार दिखाया, माता जी ने उनकी मन्नत पूरी करी, तो भक्तों का यहाँ पर ज्योत जलाने के लिए तांता लगा रहता था। शेर का आना जाना ऐसा कभी पहले बताते हैं, और एक बार मैंने भी जो है प्रत्यक्ष शेर की दहाड़ की आवाज़ को सुना है, और नवरात्रि के पर्व में जो है घुंघरू बजने की आवाज़ ऐसी एक दो बार सुनने को मिली है। और ये माता जी का जो है रूप, ये अनादिकाल से 3 रूप करती है माता जी, सुबह बचपन का होता है, दोपहर में जो है जवान का, और शाम को ये माता जी का बुढ़ापा का रूप हो जाता है। प्रतिमा उतनी बड़ी रहती है सर, लेकिन चेहरे पे वर्तमान मतलब जो है ये आ जाता है, दिखने में अपने को ऐसा लगता है भाव से कि हाँ ये बुढ़ापा है, ये जवानी का है और ये बचपन का है। मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ, राम जन्मभूमि के पास का, और यहाँ मैं ऑफिसर हूँ एक बैंक में। यहाँ पर मेरे घर के पास जो आस पड़ोसी हैं उन्होंने बोला, बहुत 2 साल से बोल रहे हैं कि यहाँ कोई चमत्कारिक मंदिर है, तो इसलिए उसका दर्शन करने नवरात्र के पावन मौके पर आए हैं हम लोग। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। पाँच साल से आ रहे हैं, और ये जानते हैं कि हमारी कुछ भी मंगत मांगते हो पूरी हो जाती, ऐसे आते जाते हो। ये मंदिर विक्रम संवत 101 में विक्रमादित्य के भानेज ने बनवाया था। वो यहाँ से रोज हर 3 कोस पे उसका एक घोड़ा था, घोड़े पे बैठ के उज्जैन जाता, दर्शन करता, दर्शन करके फिर आके यहाँ राजकाज करता था। तो कई दिन ऐसे बीत गए, माताजी पसंद हुई, माताजी ने सपना दिया कि भाई तू वही मंदिर बना ले, तो मैं वहीं आ जाऊंगी। मंदिर बना लिया, मंदिर बना लिया, और उसके बाद भी जाया हो तो यहाँ सब देवता बिठा, माताजी बिठा दी, वन शांति कर दी, उद्यापन हो गया, उसके बाद भी वो जाया हो। फिर कहा माताजी ने कि भाई अब तो मैं वहाँ हूँ, तू क्यों आ रहा है यहाँ, तो मैं कैसे मान लूँ तू वहाँ है। तो उसने कहा कि भाई सुबह देखना, ये तेरा मंदिर जो है पूर्व दिशा में बनाते हैं सभी हिंदू, तो ये पूर्व का इसका दरवाज़ा पश्चिम हो जाएगा तो फिर भरोसा करेगा, तो बिल्कुल करूँगा। तो सुबह दरवाज़ा इसका पश्चिम हो गया, जब से वो यहीं रहने लग गया। वो पहले कई उनको संकेत दिए थे कि वहाँ तुम्हारी अंगूठी नदी में डालना शिपरा में, और वहाँ कुंड खोदना, वहाँ निकलेगी एक कुंड में से मूर्ति निकलेगी, ऐसे 3-4 निशान उनने, ये हमारे मालवी समाज के भाट जो लोग होते हैं उनकी किताब में लिखा है सब। 101 में ये मंदिर बना है।